हेलो क्लास एट, वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर। इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, आप देख लेंगे। द वर्ब विल बी इन द सिंगुलर। एग्जाम्पल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। अब कह रहा है नेक्स्ट, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैव ईच और एवरी बिफोर दम, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। एग्जांपल, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज लॉस्ट, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और नॉर, इधर नीदर और नॉर, है ना। टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। क्या कह रहा है कि इफ सिंगुलर सब्जेक्ट हैव ईच और एवरी बिफोर दम, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। एग्जाम्पल, एवरी मैन वुमैन and child was lost, each day and each hour brings its duty. Two or more singular subjects connected by or nor, either neither or nor take a verb in the singular. Examples ki baat kare to, neither Hari nor Ravi has come, na hi to Hari aur na hi Ravi aaya. No nook or corner was left unexplored. इसी तरह से आगे देखेंगे, when the subjects joined by or nor are of different numbers. जब कोई सब्जेक्ट करता होता है वो या तो और से या nor से joined होता है different number में, ठीक है, the verb must be plural. तो verb क्या हो जाएगा, plural हो जाएगा, and the plural subject must be placed next to the verb. एग्जाम्पल, हरी और हिज ब्रदर हैव डन दिस, है ना। इधर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव गोन देयर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। एग्जाम्पल, इधर ही और आई एम मिस्टेकन, नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। क्लियर बच्चों? आगे देखेंगे, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। एग्जांपल्स की बात करते हैं, द काउंसिल हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट, द फ्लीट हैज सेट सेल। इसके बाद नेक्स्ट, It should, however, be kept in mind that if the individuals of which the collective noun is composed of are thought of, it can take a plural verb. Clear? Examples: the military were called out, the crew were taken prisoners. Some now, next point क्या कह रहा है? कि पहले सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। इट शुड हाउ एवर बी केप्ट इन माइंड, ये दिमाग में रखना होगा हमें कि जो इफ द इंडिविजुअल्स ऑफ विच द कलेक्टिव नाउन इज कंपोज ऑफ आर थॉट ऑफ, इट कैन टेक अ प्लूरल वर्ब, उसको प्लूरल वर्ब की तरह यूज करेंगे। एग्जांपल की बात करें, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, है ना। आगे पॉइंट देखेंगे, सम नाउन्स which are plural in the form but singular in meaning take a singular verb. क्या होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे आपके संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, संज्ञाएं जो कि plural form में होती हैं but singular उनका meaning होता है, इसलिए उनको हम singular के ही category में रखते हैं, singular verb के साथ हम उनको रखेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं, the news is true। अब देखिए, news में s जो last में लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो plural है,
वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वो समाचार वाला न्यूज़ है, ठीक है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे अब ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस हो जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखें, व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, द वर्ब यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर इन फॉर्म, तो क्या होता है इसमें आप देखेंगे कि जब प्लूरल नाउन होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है तो उसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द सिस्टर्स इज क्लेवर, सभी बहनें चतुर हैं। अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स चार्म्स द आई, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस वाज नॉट गुड। नेक्स्ट, वर्ड्स ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाई विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू और एज वेल एज आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। क्लियर है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। द चीफ विथ ऑल हिज मैन वॉज किल्ड, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज। वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर, आई हु एम योर फ्रेंड will guard your interest, है ना। Next, you who are my friend should not worry me. The title of a book, next point है, the title of a book, play, story, musical composition and the name of a country. Even though plural in the form, take a singular verb. Clear है, जैसे sons and lovers is an interesting novel. The United States of America is a developed country. इसी तरह से, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।